accelerating your knowledge of vehicles. हेलो यूट्यूबर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें कि आप सभी का ज्यादा वोट आया था निंजा 300 पे। तो मैं आप सबकी हैवी डिमांड पे कावासाकी निंजा 300 की वीडियो ले आया हूँ। ये कावासाकी की एक लाइट वेट बाइक है जो कि आपको काफी अमेजिंग राइडिंग एक्सपीरियंस देता है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, हम इसके परफॉर्मेंस, फीचर्स, कलर वेरियंट्स, प्राइस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके लुक्स एंड डिजाइन से। फ्रंट में आपको डुअल हेडलाइट सेटअप मिल जाता है, मडगार्ड काफी शानदार लुक मिलता है। इसके साइड में आपको ABS का स्टिकर मिलता है। टॉप में आपको कावासाकी रेसिंग टीम का भी बैजिंग मिल जाता है। टैंक के साइड में भी सेम बैजिंग मिल जाता है। साइड पैनल की बात करें तो इसमें मिल जाता है निंजा 300 का काफी बड़ा स्टिकर, साथ ही इंजन के नीचे कावासाकी का बैजिंग मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके इंजन एंड परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये बाइक आता है 296cc इंजन के साथ। इसमें हमें दो सिलेंडर देखने को मिलते हैं। पावर डिलीवरी की बात करें तो डिलीवर करता है 38.88 BHP, 27.1 NM टॉर्क। बात करें इसके माइलेज की, ये होने वाला है 29 किलोमीटर पर लीटर। टॉप स्पीड इसका 160 किलोमीटर पर आवर देखने को मिलता है। गियर्स की बात करें तो इसमें मिल जाते हैं हमें 6 मैनुअल गियर स्पीड। ट्रांसमिशन टाइप मिल जाता है चेन ड्राइव। ये बाइक CTI इग्निशन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम के साथ आता है। क्लच टाइप की बात करें तो इसमें मिलता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच। टैंक कैपेसिटी मिल जाता है 17 लीटर। रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी बात करें तो यह है 4.5 लीटर, जो कि काफी अच्छा है। ये बाइक आता है बेसिक फेस टू एमिशन स्टैंडर्ड के साथ। तो चलिए बात करते हैं इसके ब्रेक्स, व्हील्स एंड सस्पेंशन के बारे में। तो निंजा 300 आपको देखने को मिलता है डुअल चैनल ABS सिस्टम के साथ। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है 290 mm का। रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है 220 mm। बात करें इसके व्हील की तो ये आता है अलॉय व्हील प्लस ट्यूबलेस टायर के साथ। फ्रंट एंड रियर व्हील दोनों का साइज सेम है 17 इंचेस। बात करें इसके फ्रंट टायर साइज की तो ये आता है 110/70 एंड रियर टायर साइज है 140/70। फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो मिल जाता है टेलीस्कोपिक फॉक्स सस्पेंशन। रियर सस्पेंशन की बात करें तो मिलता है बॉटम लिंक यूनिट ट्रैक विद गैस चार्ज सॉक सस्पेंशन। बात करें इसके डायमेंशन एंड चेसिस के बारे में तो इसका ओवरऑल वेट होने वाला है 179 kg। सीट हाइट होने वाला है 780 mm। बात करें इसके ग्राउंड क्लियरेंस की तो मिल जाता है 140 mm का। तो चलिए बात करते हैं इसके ओवरऑल डायमेंशन के बारे में। तो इसका लेंथ होने वाला है 2015 mm, विड्थ है 715 mm, हाइट मिल जाता है 1110 mm का। बात करें इसके व्हील बेस की तो ये मिलने वाला है 1405 mm। बात करें इसके चेसिस टाइप की तो ये होने वाला है ट्यूब डायमंड एंड स्टील चेसिस। तो चलिए बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इस बाइक में हमें देखने को मिलता है डिजिटल ओडोमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर, एनालॉग टैकोमीटर, डिजिटल फ्यूल गॉज, साथ ही स्टैंड अलार्म भी देखने को मिलता है। इसके अलावा और फीचर्स हैं जैसे कि लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर्स, क्लॉक। इस बाइक में हमें DRL भी मिल जाता है, साथ ही ऑटोमेटिक हेडलाइट ऑन का भी फीचर मिलता है। ये बाइक आता है हैलोजन हेडलाइट सेटअप के साथ, साथ ही हैलोजन इंडिकेटर भी मिलते हैं, बट टेल लाइट LED का देखने को मिलता है। पास लाइट मिल जाता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर मिलता है, स्टेप सीट मिल जाता है, रियर ग्रैब रेल कुछ इस टाइप का मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं इसके राइट हैंडल में क्या क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको मिल जाता है किल स्विच, इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच। लेफ्ट हैंडल की बात करें तो इसमें आपको देखने को मिलता है पास लाइट स्विच, डिपर स्विच, इंडिकेटर एंड हॉर्न स्विच। एडिशनल फीचर में आपको देखने को मिलेगा हीट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी। आप इसका आवाज भी सुन सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरर वारंटी के बारे में। तो इस बाइक का स्टैंडर्ड वारंटी है 2 ईयर्स 30,000 किलोमीटर तक। तो चलिए बात करते हैं निंजा 300 के कलर वेरिएंट्स के बारे में। तो निंजा 300 टोटल 3 कलर वेरिएंट्स में आता है। फर्स्ट इज लाइम ग्रीन, सेकंड इज कैंडी लाइम ग्रीन एंड थर्ड इज मेटालिक मून डस्ट ग्रे। तो बात करें इसके प्राइस के बारे में तो कावासाकी निंजा 300 स्टैंडर्ड का एक्सशोरूम प्राइस है 3,43,000। साथ ही अगर आपको कावासाकी की कोई भी बाइक खरीदनी है तो मोटो हब जरूर विजिट करें, एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पर गिवन है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, साथ ही ये भी कमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट रिव्यू वीडियो कौन से व्हीकल पर चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू व्हीकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।